अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम क्लास 6 का टॉपिक नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। जो सबसे पहले हम बात करेंगे ABC कंप्यूटर की, जो 1939 AD में इंट्रोड्यूस करवाया गया। द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर ABC एन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डेट अप्लाइड बोलियन अलजेब्रा ऑन कंप्यूटर सर्किटरी। ये पहला कंप्यूटर था जिसने बोलियन अलजेब्रा को जो है कंप्यूटर के सर्किट पर अप्लाई किया। वॉज डिजाइन बाय जॉन वी एटनसॉफ एंड क्लिफोर्ड बेरी, जो कि डिजाइन किया था जॉन वी एटनसॉफ और क्लिफोर्ड बेरी ने। यूजिंग द वर्क ऑफ जॉर्ज बोल के वर्क को इस्तेमाल करते हुए, जो काम जॉर्ज बोल ने किया उसी से गाइडलाइंस लेते हुए, हु स्टेटेड दैट ऑल मैथमेटिकल इक्वेशन कुल बी स्टेटेड सिंपली एज आइदर ट्रू और फॉल्स। जॉर्ज बोल का ये कहना था कि जितनी भी मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं उन्हें हम ट्रू और फॉल्स की शक्ल में लिख सकते हैं। एटनसॉफ एंड बेरी एक्सटेंडेड दिस कॉन्सेप्ट टू इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इन द फॉर्म ऑफ ऑन एंड ऑफ। एटनसॉफ और बेरी ने इस कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड किया था कि ट्रू फॉल्स हटा के उन्होंने इसको ऑन एंड ऑफ पे ले आए थे। Z3 एंड क्लोसेस, अब ये एक नया कंप्यूटर है जो कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था 1941 एंड 1943 AD के दौरान ये बना। इन वर्ल्ड वॉर टू, जब दूसरी जंग अजीम हुई, द ह्यूज अवेबिलिटी ऑफ फंड फॉर कंप्यूटर रिजल्टेड इन देयर क्विक प्रोग्रेस। इन्होंने कहा जो बहुत ज़्यादा फंड जो है वो दिया गया कंप्यूटर की, उसकी वजह से कंप्यूटर की जो रिसर्च हुई वो बहुत तेज़ हो गई। जर्मन इंजीनियर कॉनराड ज़ूस डेवलप अ कंप्यूटर कॉल्ड Z3। कॉनराड ज़ूस जो थे उन्होंने एक कंप्यूटर डेवलप किया जिसका नाम था Z3। एरोप्लेन्स एंड मिसाइल्स इन 1941, एरोप्लेन और मिसाइल भी डेवलप किए 1941 में। द ब्रिटिश ऑल्सो वर्क हार्ड टू वट इम्प्रूवमेंट ऑफ कंप्यूटर, ब्रिटिश ने और ज़्यादा हार्ड वर्क किया कंप्यूटर को इम्प्रूव करने में, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने में। एंड दे डिज़ाइन अ सीक्रेट कोड ब्रेकिंग कंप्यूटर कॉल्ड क्लोसेस। ये सीक्रेट कोड ब्रेकिंग कंप्यूटर था जिसमें कोड को डिकोड किया जाता था, आपके पास कोड जो मैसेज आता था ये उस कोड को पढ़ के जो है मैसेज को डिकोड करता था, विच वॉज यूज टू डिकोड जर्मन मैसेज। ये जर्मन मैसेज को डिकोड किया करता था। इसके बाद है हमारे पास मार्क वन। मार्क वन वॉज डेवलप बाय हॉवर्ड एकिन्स। मार्क वन जो है वो हॉवर्ड एकिन ने बनाया। अनलाइक ऑल द मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन दिस वॉज अ कंप्यूटर डेट वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी। बाकी तमाम मैकेनिकल मशीन से हट के ये वो कंप्यूटर था जो इलेक्ट्रिसिटी पे काम करता था। इट हैड थाउजेंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, स्विच, रोटेटिंग शाफ्ट एंड क्लचेस। इसके अंदर हजारों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले लगे हुए थे, स्विचेस थे, रोटेटिंग शाफ्ट जिस पर रोटेट करता था और क्लचेस थे जिसे उसे अटैच किया हुआ था। मार्क वन वॉज एज बिग एंड हैवी एज अ स्मॉल शिप, ये इतना बड़ा था जितना बड़ा एक छोटा जहाज होता है। इट वॉज द लार्जेस्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैलकुलेटर, ये एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैलकुलेटर था एवर बिल्ड एंड द फर्स्ट ऑटोमेटिक डिजिटल कैलकुलेटर इन द यूनाइटेड स्टेट। ये जो है यूनाइटेड स्टेट में US में बनने वाला पहला ऑटोमेटिक डिजिटल कैलकुलेटर था मार्क वन। इन एक एंड एडवेग 1947 और 1949 में बना द इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इन एक की फुल फॉर्म क्या है आपको ये याद होनी चाहिए, द इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर वॉज डिजाइन फॉर डूइंग द कैलकुलेशन इन्वॉल्व इन बैलिस्टिक मिसाइल ट्रेजेक्टरी एंड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू। ये बैलिस्टिक में और मिसाइल ट्रेजेक्टरी में, मतलब मिसाइल वगैरह को सर्च करने के लिए यूज होता था वर्ल्ड वॉर टू में। इन एक वॉज अ जर्नल पर्पज कंप्यूटर एंड कुल कंप्यूट 1000 टाइम फास्टर देन मार्क वन। इन एक जो था ये जर्नल पर्पज कंप्यूटर था और मार्क वन से 1000 गुना ज़्यादा तेज था। इट वॉज फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, ये पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। इन एक वॉज द ओरिजिनल मॉडल फ्रॉम विच द मोस्ट मॉडर्न कंप्यूटर इवॉल्व, ये वो पहला ओरिजिनल मॉडल था जिससे बहुत सारे जो है मॉडर्न कंप्यूटर जो थे इसके ऊपर बनाए गए। इट कंटेन ऑलमोस्ट ऑल द कंपोनेंट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ टुडे हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, इसके अंदर तमाम वो फीचर्स मौजूद थे जो आज के दौर के हाई स्पीड डिजिटल कंप्यूटर के अंदर होते हैं। द
इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडवेक. अब बात आ रही है एडवेक की. एडवेक का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? द इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर वॉज एन इम्पॉर्टेंट इम्प्रूवमेंट अपॉन इनेक. इनेक को मजीद इम्प्रूव करके हमने एडवेक बनाया था एंड हैड बिल्ट इन प्रोग्राम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोर मेमोरी. और इसके अंदर प्रोग्राम को बिल्ट इन कर देते थे, डाल देते थे डायरेक्टली, क्योंकि इसकी मेमोरी ज़्यादा हुआ करती थी. अब हम पढ़ेंगे IBM सिस्टम 360 के बारे में. ये भी एक कंप्यूटर है, उसका नाम है IBM सिस्टम 360. ठीक है, सबसे पहले इसमें आप पढ़ेंगे इस IBM की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन. ये तमाम फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए जब आप कंप्यूटर पढ़ना स्टार्ट करते हैं. तो जो भी आपके पास एब्रीवेशन आती है इसको एब्रीवेशन कहते हैं, जहाँ हम कैपिटल वर्ड से कोड लिखते हैं और उसका पूरा एक अलग नाम होता है. जैसे IBM का है इंटरनेशनल मशीन बिजनेस मशीन. 360 मेन फ्रेम मॉडल 360 स्टूड फॉर 360 डिग्री ऑल अराउंड कंप्यूटर सिस्टम. ये कंप्यूटर को चारों सिमतों से देखता था. इट वॉज डिजाइन ऑन ट्रांसिस्टर टेक्नोलॉजी पर बना था एंड वॉज अवेलेबल फॉर बोथ कमर्शियल एंड साइंटिफिक यूजेस. ये कमर्शियल यूज में भी हुआ, मतलब कारोबार वगैरह में, और साइंटिफिक यूज में भी आया, जैसे साइंस वगैरह यूज करते हैं. अब हमारे पास टॉपिक है मोर इन्वेंशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स हैव बीन इनकॉर्पोरेट इन बिल्डिंग मोर पावरफुल एंड सोफिस्टिकेटेड मशीन. और जो इन्वेंशन होती गई उन्होंने बहुत मदद दी इसमें कि हम बना सकें ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड, मतलब बहुत अच्छे से काम करने वाली मशीन्स. ईच मेजर डेवलपमेंट लेड टू द सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन स्पीड कंप्यूटिंग पावर एंड रिलायबिलिटी ऑफ कंप्यूटर. और हर डेवलपमेंट के साथ इसकी स्पीड, इसकी कैलकुलेशन की पावर और इसकी रिलायबिलिटी जो है वो बढ़ती गई. इन 1950 द कंप्यूटर वर मेड यूजिंग वैक्यूम ट्यूब. कंप्यूटर जो बनाया गया वो वैक्यूम ट्यूब और ट्रांसिस्टर यूज करता था. इन 1970s इंटीग्रेटेड सर्किट वर यूज. और 1970s में इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होना शुरू हुआ. लेटर विद द डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर पर्सनल कंप्यूटर लैपटॉप वर डेवलप. जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया तो पर्सनल कंप्यूटर डेवलप भी हो गए. ये वैक्यूम ट्यूब की पिक्चर आपके पास आ रही है. ये वो कंप्यूटर है जो वैक्यूम ट्यूब यूज़ करते हैं, इसके अंदर ट्यूब लगी होती थी. ये आपके पास ट्रांसिस्टर बना हुआ है. और ये वो कंप्यूटर है जिनके अंदर ट्रांसिस्टर यूज होता था. ये आपके पास आईसी बनी हुई है. ये अक्सर हमारे खिलौनों के अंदर भी लगी हुई होती है. और ये वो कंप्यूटर है जो आईसी यूज़ करते थे. आजकल ये बहुत छोटी छोटी चिप्स आती हैं, बिल्कुल इतनी छोटी होती हैं, आप इन्हें देखेंगे भी. ये आपके सेवर के अंदर वगैरह भी होती हैं और बाकी जो आपके खिलौने होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स सबके अंदर ये मौजूद होती है. ये आपके पास है माइक्रो प्रोसेसर, जिस जो एक बोर्ड होता है कंप्यूटर का, जो आपके पर्सनल कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होता है इनके अंदर. अब आपको जो चीज़ें पता होनी चाहिए, डू यू नो? ठीक है सर, इसको देखते हैं. ठीक है, ट्रांसिस्टर्स एंड इंटीग्रेटेड सर्किट आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज इन मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक मशीन सच एज टीवी, रेडियो, कंप्यूटर, मोबाइल फोन एंड वॉशिंग मशीन. जैसे कि मैंने आपको बताया आईसी और ट्रांसिस्टर, ये दोनों अभी भी यूज होते हैं. ट्रांसिस्टर भी, ये वाले ट्रांसिस्टर भी आपको मिलेंगे बहुत सी डिवाइसेस के अंदर. तो ये बता रहे हैं आईसी और ट्रांसिस्टर जो हैं वो बहुत सारी मशीन्स के अंदर मौजूद होते हैं जिनके नाम इन्होंने लिखे हुए हैं. माइक्रो प्रोसेसर वॉज फर्स्ट इन्वेंटेड बाय द इंटेल कॉरपोरेशन इन द लेट 70s. जब आपकी 1970s का दौर था उस टाइम जो है माइक्रो प्रोसेसर वो डेवलप हुआ था. रेवोल्यूशनाइज द कंप्यूटर कम्प्लीटली. इन्होंने कंप्यूटर को जो है बिल्कुल चेंज करके रख दिया. साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू डेवलप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन कंप्यूटर. साइंटिस्ट जो है वो आजकल कोशिश कर रहे हैं कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब सेंसर वगैरह जो है वो कंप्यूटर में डेवलप करवा सकें. एक्टिव रिसर्च वर्क इज गोइंग ऑन ऑल ओवर द वर्ल्ड. और इसका एक्टिव रिसर्च वर्क पूरी दुनिया में इस वक्त हो रहा है. कंप्यूटर आर कैटेगराइज इन टर्म ऑफ वेरियस जनरेशन. कंप्यूटर जो है वो डिफरेंट जनरेशन में बांटा गया है बेस्ड ऑन हार्डवेयर टेक्नोलॉजी यूज इन देयर मैन्युफैक्चरिंग. जब भी हार्डवेयर टेक्नोलॉजी चेंज होती थी हम जनरेशन को चेंज कर देते. कंप्यूटर आर क्लासिफाइड इनटू 5 जनरेशन. हमने कंप्यूटर को 5 क्लासेस में बांटे. फॉलोइंग टेबल इनलिस्ट द 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. और ये जो टेबल है ये आपको बता रहा है कि ये 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर किस तरह से डिवाइड हुई है. सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन की बात हो रही है 1940 से 1952 तक हुआ. इसमें वैक्यूम ट्यूब यूज हुई. ये फर्स्ट जनरेशन की छोटी सी आपको स्पेसिफिकेशन दी हुई है इसमें क्या हुआ था. इसके कैरेक्टरिस्टिक लिखे हुए हैं, ह्यूज था, एक्सपेंसिव मशीन. ह्यूज और एक्सपेंसिव मशीन मतलब बहुत बड़ी और बहुत महंगी मशीन्स थी. कंज्यूम टू मच इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ज़्यादा बिजली का इस्तेमाल होता था. जनरेट लॉट ऑफ हीट, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता था.
लिमिटेड स्पीड एंड वर्सेटिलिटी। इसका मतलब ये है कि इसकी स्पीड लिमिटिटी वर्सेटिलिटी का मतलब होता है डिफरेंट काम करने की सलाहियत, वेरिएबिलिटी से निकला हुआ ये भी। नाउ डिफिकल्ट टू प्रोग्राम एज ईच कंप्यूटर हैड इट ओन बाइनरी मशीन लैंग्वेज। इसमें प्रोग्रामिंग बहुत मुश्किल थी क्योंकि हर कंप्यूटर की अपनी बाइनरी लैंग्वेज थी। जो स्पेसिफिक एग्जाम्पल है इसमें जो भी कंप्यूटर बनाए गए हैं उनके नाम है मार्क वन, इनेक, एडवेक और लियो। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की शुरू हुई थी 1952 में और 1964 तक गई। इसमें हमने ट्रांजिस्टर यूज़ किए, स्मॉलर थे, चीपर थे, फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। छोटे थे, सस्ते थे, फास्ट थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के मुकाबले में, कंज्यूम लेस पावर, कम बिजली इस्तेमाल करते थे एंड वर ट्रांसफरेबल ड्यू टू स्मॉलर साइज। और आप इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते थे क्योंकि इसका साइज छोटा था। कन्वीनियंट टू प्रोग्राम ड्यू टू हाई लेवल लैंग्वेज लाइक एल्गोल, कोबोल, फोर्ट्रान। इसमें प्रोग्रामिंग आसान थी क्योंकि इसमें हाई लेवल लैंग्वेज यूज होती थी जिसके नाम है एल्गोल, कोबोल और फोर्ट्रान। अब जो कंप्यूटर इसके अंदर यूज हुए उनके नाम लिखे हुए हैं जो भी चीज़ें इसमें बनाई गई, IBM 700, IBM 1401, IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, RCA 50, Univac 1108। ये सारे जो कंप्यूटर हैं या डिवाइसेस हैं ये इसी में बनाई गई थी सेकंड जनरेशन में। बात होती है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की, ये 1964 से शुरू हुआ 1971 तक। यूज इंटीग्रेटेड सर्किट, इसके अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल हुआ। अब इसकी अगर आप करेक्टरिस्टिक्स देखें, सीकेटी की कैरेक्टरिस्टिक की कॉलम को हम रीड आउट कर रहे हैं, स्मॉलर, चीपर, फास्टर एंड मोर रिलायबल देन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। ये कह रहे हैं स्मॉलर था, चीपर था, चीपर मीन सस्ता था, फास्टर था सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर से ज़्यादा। ऑपरेटिंग सिस्टम मेड देम यूज़र फ्रेंडली, जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो यूज़र फ्रेंडली था। यूज़र फ्रेंडली का मतलब होता है इस्तेमाल करने वालों के लिए आसान। बेसिक लैंग्वेज वॉज इंट्रोड्यूस फॉर प्रोग्रामिंग द कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन में बेसिक लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवाई गई थी प्रोग्रामिंग के लिए, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए। इस जनरेशन में बनने वाले डिवाइसेस के नाम है CDC 1700, PDP 1145, ICL 29003, LINC LARC। ये तमाम डिवाइसेस थर्ड जनरेशन में बनाई गई। अब हम बात करते हैं फोर्थ जनरेशन की, तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1972 टिल द डेट यूज, जब तक डेट इस्तेमाल हो रही है माइक्रो प्रोसेसर यूज होता रहेगा तब तक है। क्योंकि हमने बताया था, हमने जो जनरेशन बताई है वो डिफरेंट टेक्नोलॉजी के इन्वेंशन के हिसाब से हम उसको चेंज करते गए, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर आज भी इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए हम इस जनरेशन को ख़त्म नहीं कर सकते। टिल डेट यूज़ का मतलब है कि जब तक माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होता रहेगा, जब तक फोर्थ जनरेशन कंटिन्यू रहेगी। मगर क्या हुआ था, फोर्थ जनरेशन कंटिन्यू रहते हुए ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पैरेलल प्रोसेसिंग भी स्टार्ट हो गई थी, तो फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन दोनों ही चल रही हैं। जब तक कि माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल ख़त्म नहीं होता, फोर्थ जनरेशन एंड नहीं होगी। आपको ये बात याद रहनी चाहिए जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसमें करेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं, ये स्मॉलर है, चीपर है, फास्टर है, मोर पावरफुल है, वर्सेटाइल है, रिलायबल है देन द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। अब मैं आपको इन सब वर्ड्स के मीनिंग बता रही हूँ। स्मॉलर मीन छोटा है, चीपर मीन सस्ता है, फास्टर है मतलब बहुत तेज़ है, पावरफुल है मतलब बहुत ताकतवर है, वर्सेटाइल है मतलब बहुत सारी डिफरेंट तरह के काम कर लेता है, रिलायबल है मतलब बहुत एक्यूरेट काम करता है। रिलायबल हम उसको कहते हैं जिसमें हम भरोसा कर सकें। यूज़र फ्रेंडली GUI ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस, GUI कहते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, मतलब वो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें तस्वीरें बनी हुई आती हैं और हम जस्ट आइकन्स पे क्लिक कर रहे होते हैं। अब इस जनरेशन में बनने वाली डिवाइसेस के नाम है HP 9845, VEX 11780, 1CL 29000। ये जो इनके नाम है, वैसे तो हम इसके नाम इस तरह से नहीं पढ़ते, 2900 इस तरह से पढ़ेंगे, 9845 पढ़ेंगे, 2903 पढ़ेंगे, इसी तरीके से इसके नाम रीड आउट किए जाते हैं, क्योंकि ये कोई नंबर नहीं है, ये इसके कोड है और कोड को हम 100 और 1000 में कन्वर्ट नहीं करते। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर अंडर डेवलपमेंट यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड पैरेलल प्रोसेसिंग, ये अंडर डेवलपमेंट है, अभी भी इस पर काम जारी है। विल हैव बिल्ट इन इंटेलिजेंस, ये बिल्ट इन इंटेलिजेंस होता है जिसे हम डायरेक्ट कंप्यूटर में डाल देते हैं। विल टेक देयर ओन डिसीजन एंड इंटरेक्ट विद ह्यूमन बाय हियरिंग फ्रॉम एंड स्पीकिंग टू देम,
अब इन्होंने बहुत कमाल की बात कर दी यहाँ पे, ये कहते हैं ये ह्यूमन से इंटरेक्शन रखता है, ह्यूमन की बातें सुनता है और उनसे स्पीक करता है। अब आप मुझे बताइए कि आपने ऐसा कोई कंप्यूटर देखा है जो आपकी बात सुनता भी हो और आपको जवाब भी देता हो? हाँ, आप देख सकते हैं, आप अपना मोबाइल खोलिए और उसमें गूगल खोलिए, गूगल का जो आपके पास आइकन बना हुआ होता है उस पर क्लिक कीजिए, उसके नीचे उसकी वॉइस नोट सेव कराने का एक ऑप्शन आता है, उसको दबाइए, होल्ड कीजिए, बोलिए हे गूगल, तो जो है वो गूगल का वॉइस एक्टिवेटेड हो जाता है, वो आपकी बात सुनता है, जो भी आप उससे क्वेश्चन करते हैं वो आपको जवाब देता है। अगर आप उससे पूछेंगे हे गूगल डू यू नीड माई बर्थडे डेट, तो वो बोलेगा नो आई डिड नॉट नो दैट बट वैन यू टेल मी आई विल रिमेंबर दैट, अगर आपने मुझे बता दिया तो मैं ये याद रखूंगा। फिर आप उसे जवाब देंगे माई बर्थडे डेट इज 9 सितंबर एंड समथिंग, तो वो अपने पास उसको नोट कर लेगा। फिर आप दोबारा पूछिए हे गूगल डू यू नो माई बर्थडे डेट, तो वो आपको फौरन से बताएगा। आप उसे पूछें डू यू नो माई फादर नेम, तो बोलेगा नो आई डिड नॉट, वैन यू टेल मी आई विल रिमेंबर दैट, जब आप उसे बताओगे तो वो उसको याद रखेगा। फिर आप जब दोबारा पूछोगे तो वो आपका जवाब देगा, क्योंकि वो आपकी आईडी पे लॉगिन हुआ, जब तक आपकी आईडी उस गूगल अकाउंट में लॉगिन हुई भी होगी, वो आपके सारे सवालों का जवाब देगा। इसे कहते हैं हियरिंग फॉर्म एंड स्पीकिंग टू ह्यूमन विल बी कैपेबल ऑफ यूजिंग मैनी स्पोकिंग लैंग्वेज, ये बहुत सारी स्पोकिंग लैंग्वेज को यूज़ कर सकता है। याद रखने की क्या बात है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द टेक्निक विद विच आर मशीन इज मेड टू थिंक एंड टेक डिसीजन लाइक ह्यूमन बींग, ये वो इंटेलिजेंस होती है जिससे एक मशीन जो है वो ह्यूमन की तरह सोच सकती है और सुन सकती है और डिसीजन भी ले सकती है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के टाइप्स को हमने डिवाइड किया है कुछ इस तरीके से, लेट्स सी। Various type of computer, types of computer, various type of computer are used in today. There are following categorized on the basis of their processing power and data storage capacity. इन्होंने बोला जो कंप्यूटर आजकल इस्तेमाल हो रहे हैं हम उन्हें कैटेगराइज कर रहे हैं उनकी प्रोसेसिंग पावर और डेटा स्टोर करने की सलाहियत के मुताबिक। इसमें सुपर कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर है, वियरेबल कंप्यूटर्स हैं। अब हम इनके बारे में बारी बारी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सुपर कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं। These are the largest and fastest and most expensive computer system in the world. ये largest हैं, fastest हैं और बहुत ज़्यादा महंगे computer हैं दुनिया के। They are based on concept of parallel processing. ये parallel processing के concept पर depend करता है जिसमें एक साथ बहुत सारी चीज़ों पर काम किया जा सकता है। Where large number of processors work together on a desk. जहाँ पर एक बहुत बड़े number पर processors इसमें लगे होते हैं और एक ही desk पर वो काम कर रहे होते हैं। दे आर यूज वेयर लॉट ऑफ प्रोसेसिंग पावर इज रिक्वायर्ड, ये वहाँ यूज होते हैं जहाँ पे हमें बहुत तेजी से काम करना होता है, ज्यादा प्रोसेसिंग पावर चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल इन वेदर फॉरकास्टिंग, वेपन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रॉकेट एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, ऑयल एक्सप्लोजन आर एग्जाम्पल ऑफ CRA, CRA2, ETA10। ये एग्जाम्पल ऑन कंप्यूटर्स की जो हम यूज करते हैं एज अ सुपर कंप्यूटर। इनकी खास जरूरत पड़ती है वेदर फॉरकास्टिंग में, मतलब मौसम का हाल प्रिडिक्ट करने के लिए, वेपन जो हम हथियार और ये सब यूज़ करते हैं उनकी रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए, रॉकेट्स वगैरह बनाने के लिए, स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए और ऑयल एक्सप्लोर करने के लिए, मतलब ढूंढने के लिए। द डिफरेंस बिटवीन द मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर इज दैट मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर में जो डिफरेंट आता है वो ये है, व्हाइल मेन फ्रेम मशीन्स आर प्राइमरली यूज फॉर अ नंबर ऑफ पर्पज, सुपर कंप्यूटर डिजाइन टू सर्व अ स्पेसिफिक सिंगुलर पर्पज। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है उसे आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, लेकिन सुपर कंप्यूटर जो होता है वो सिर्फ किसी खास काम के लिए ही डेवलप किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर सपोर्ट थाउजेंड ऑफ यूजर मल्टीपल प्रोग्राम एट द सेम टाइम। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है वो हजारों यूजर को एक साथ सहूलतें फराहम कर सकता है। दे आर सेंसिटिव टू वेरिएशन इन द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड डस्ट, इस पर टेम्परेचर और हवा में नमी और डस्ट का असर पड़ता है। क्वालिफाइड ऑपरेटर आर प्रोग्रामर आर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट देम, इसको ऑपरेट कोई नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता, हमें उसके लिए क्वालिफाइड ऑपरेटर चाहिए होते हैं। दे आर यूज इन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बैंक, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब आपने नादरा का सिस्टम देखा होगा, आप वहाँ जाते हैं NIC बनवाने के लिए, सारे कंप्यूटर आपस में लिंक होते हैं, वो वैसे तो आपके पास नजर आ रहे होते हैं आपको हर डेस्क पे, मगर वो एक कंप्यूटर से ज्वाइंट होते हैं जिनमें उनके हर सिस्टम के कंट्रोल मौजूद होते हैं। एक में तस्वीर खींचते हैं, एक में थंब इंप्रेशन लेते हैं, एक में डेटा फीड करते हैं, मगर वो एक साथ सब कंप्यूटर पर चल रहा होता है क्योंकि वो मेन फ्रेम कंप्यूटर से ज्वाइंट होता है, वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में यूज हो रहा होता है। बैंक्स में भी ऐसा होता है, तमाम कंप्यूटर पर डिटेल्स आ रही होती हैं हर अकाउंट की, कि कौन सा अकाउंट है, किसमें क्या है, किसमें क्या नहीं है, तो वो सब एक बड़े कंप्यूटर से लिंक होते हैं
जिसमें टोटल डेटा मौजूद होता है उसे हम मेन फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं, जो बहुत सारे कंप्यूटर को एक साथ लिंक किया हुआ होता है, थाउजेंड ऑफ यूजर को सर्व कर रहा होता है। मिनी कंप्यूटर, द मिनी कंप्यूटर वॉज डेवलप टू हैंडल स्पेसिफिक टास्क लाइक इंजीनियरिंग एंड कैट कैलकुलेशन। मिनी कंप्यूटर जो है वो डेवलप हुआ था कि वो स्पेसिफिक टास्क कर सके इंजीनियरिंग और कैट कैलकुलेशन के। इट फॉल इन बिटवीन अ माइक्रो कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये माइक्रो और मेन फ्रेम कंप्यूटर के दरमियान आता है। इट इज़ नाउ रेफर्ड टू एज मिड रेंज सर्वर। इट सपोर्ट मल्टीपल यूजर एट वन टाइम एंड इट सुटेबल फॉर मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल आर IBM S400, B600 एंड VEX 8842, B60। अब ये कह रहे हैं कि ये मेन फ्रेम और मिनी माइक्रो कंप्यूटर के दरमियान में आता है मिनी कंप्यूटर। ये छोटी ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है, ये कुछ कंप्यूटर को अटैच कर सकता है, हजारों कंप्यूटर को एक साथ अटैच नहीं कर सकता। ये फर्क है इसमें और मेन फ्रेम कंप्यूटर में। अब आता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जो होते हैं आर डिजाइन टू बी यूज बाय वन पर्सन एट अ टाइम, ये एक ही बंदा एक टाइम पर इस्तेमाल कर सकता है। आर यूज इन होम बिजनेस ETC, ये घरों में बिजनेस में इस्तेमाल होते हैं। सम ऑफ द कंप्यूटर मेकिंग कंपनीज मेकिंग माइक्रो कंप्यूटर आर IBM, डेल, HP, HCL, विप्रो। ये वो कंपनीज हैं जो माइक्रो कंप्यूटर बनाती हैं। ये आपका माइक्रो कंप्यूटर है। अदर माइक्रो कंप्यूटर डेस्कटॉप वर्क स्टेशन लैपटॉप। अब माइक्रो कंप्यूटर के कुछ टाइप हैं, डेस्कटॉप वर्क स्टेशन पाल्म टॉप एंड टैबलेट। तो ये इनके नाम है, ये मैं इनके बारे में आपको डिफाइन करने जा रही हूँ। सबसे पहले डेस्कटॉप कंप्यूटर, दीज आर पॉपुलर कंप्यूटर डेट कैन बी प्लेस ऑन अ डेस्क ऑन अ टेबल। ये आप एक टेबल पर रख सकते हैं। दे हैव अ CPU और कीबोर्ड माउस फॉर इनपुट एंड मॉनिटर फॉर आउटपुट। इनके पास एक CPU होता है, कीबोर्ड और माउस होता है इनपुट करने के लिए, मॉनिटर होता है आउटपुट करने के लिए। दिस कंप्यूटर आर कॉमनली यूज इन स्कूल होम एंड बिजनेस। ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, स्कूल होम्स और बिजनेस में। वर्क स्टेशन, इसको वर्क स्टेशन कहते हैं, ये वो टोकन वाली मशीन होती है उसी तरीके की मशीन है। वर्क स्टेशन डेस्कटॉप कंप्यूटर दैट हैज अ मोर पावरफुल प्रोसेसर एडिशनल मेमोरी लार्ज मॉनिटर एंड हैज कैपेबिलिटी फॉर परफॉर्मिंग अ स्पेशल ग्रुप ऑफ टास्क सच एज 3D ग्राफिक्स। इसमें आप 3D ग्राफिक भी कर सकते हैं, CD कैम भी कर सकते हैं। टाइपिकली रन द यूनिक्स एंड द विंडो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें सारा ग्राफिक का काम होता है जो वर्क स्टेशन कंप्यूटर होते हैं। लैपटॉप, एज अ नेम इंडिकेटेड लैपटॉप इट इज अ कंप्यूटर विच कैन बी प्लेस ऑन वन लैप। लैप मतलब आपकी जो गोद होती है उसमें भी सर रख सकते हैं। इट इज स्मॉल इन साइज बस कॉस्ट अ लॉट मोर देन अ डेस्कटॉप कंप्यूटर। ये साइज में छोटा होता है मगर महंगा होता है आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर के मुकाबले। रन ऑन मेन पावर सप्लाई एज वेल एज इन बिल्ट बैटरी। ये एक पावर सप्लाई पे काम करता है, इसके अंदर बिल्ट बैटरी भी होती है, वो भी यूज होती है। पावर विच नीड रेगुलर चार्जिंग, इसको हमें चार्ज करना पड़ता है। द मेन एडवांटेज इज दैट इट इज पोर्टेबल। ये पोर्टेबल है मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं इसको। थर्ड, इट इज यूजली यूज बाय यूजर हु फ्रीक्वेंटली ट्रैवल। ये वो यूजर यूज करते हैं जो बाहर ज्यादा ट्रैवल करते रहते हैं। ऑल द एप्लीकेशन दैट रन ऑन डेस्कटॉप कैन रन ऑन लैपटॉप एज वेल। जितनी भी कंप्यूटर एप्लीकेशन जो होती हैं वो आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर पे काम करती हैं वो तमाम लैपटॉप पे भी काम करती हैं। पाम टॉप कंप्यूटर, पाम टॉप कंप्यूटर से मुराद है पाम कहते हैं हथेली को, जो कंप्यूटर आपकी हथेली में आ जाए। इज अ स्मॉल हैंडल कंप्यूटर, ये हाथ में होने वाला कंप्यूटर। इट एज सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ द मेजर सॉफ्टवेयर यूज फॉर अदर टाइप ऑफ PCs। इसके अंदर भी वही सॉफ्टवेयर चलते हैं जो PCs के अंदर चल रहे होते हैं। डज नॉट हैव द फुल साइज कीबोर्ड, इसका कीबोर्ड फुल साइज नहीं होता है। इंस्टेड इट यूज स्पेशल पेन एंड टच सेंसिटिव स्क्रीन फॉर एंटरिंग डेटा। इसके अंदर स्पेशल किस्म के पेन इस्तेमाल होते हैं और टच सेंसिटिव स्क्रीन होती है ताकि आप उसमें डेटा एंटर कर सकें। कोई इसमें कीबोर्ड और माउस नहीं होता, वायरलेस माउस और कीबोर्ड अटैच कर सकते हैं। टैबलेट PC, अनदर पोर्टेबल PC इज अ टैबलेट PC। इट हैज एन इलेक्ट्रॉनिक पेन कॉल्ड स्टेलस। इसके पास एक पेन भी होता है, हम स्टेलस कहते हैं। डेट इज यूज टू राइट ऑन द टैबलेट स्क्रीन, जैसे आप टैबलेट स्क्रीन पर लिख सकते हैं। दिस गेट रिकॉर्डेड एज अ पिक्चर एंड इज कन्वर्ट इन टू रेगुलर टेक्स यूजिंग स्पेशल सॉफ्टवेयर। ये पिक्चर के तौर पर सेव होता है लेकिन ये टेक्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब आपके पास आता है वेयरेबल कंप्यूटर्स। वेयरेबल कंप्यूटर कंप्यूटर डेट आर वॉर्न ऑन द बॉडी। ये वो कंप्यूटर है जो अपनी बॉडी के ऊपर आप पहन रहे होते हैं। वन ऑफ द मेन वेरिएबल कंप्यूटर इज कंसिस्टेंसी। वन ऑफ द मेन फीचर इसकी कंसिस्टेंसी है, मतलब ये रेगुलर काम करता है। देयर इज अ कांस्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन द कंप्यूटर एंड द यूजर, और ये मुस्तकिल रबते में होता है कंप्यूटर और यूजर के। दैट इज द देयर इज नो नीड टू टर्न द डिवाइस ऑन और ऑफ। एंड अदर फीचर इज एबिलिटी टू मल्टी टास्क, ये डिफरेंट किस्म के काम भी कर सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी टू स्टॉप वॉट यू आर डूइंग टू यूज दिस डिवाइसेज। देखिए वो डिवाइसेज होती हैं, हर डिवाइस कंप्यूटर कहलाती है जो आपकी बॉडी पे चल रही होती है। कुछ लोग जो होते हैं वो एयर डिवाइस यूज करते हैं, तो ये भी वेयरेबल कंप्यूटर जो अपनी बॉडी पे आप पहने हुए होते हैं, जो आप अपनी बॉडी के ऊपर लगा के
घूमते हैं, वो फुल टाइम काम करता है, आपको उसको बंद करने की या खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो मशीन्स कहलाती हैं। ओके, ये हमारा चैप्टर एंड हो गया। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो आप पूछ सकते हैं।